जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व यहाँ पे शेयर के बारे में, जो मार्केट में भी आप देखोगे 52 वीक हाई पे कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे ये शेयर ने किस तरीके से ब्रेकआउट दिया पहले आपको बता दो। आपको पता होगा ये पैटर्न कौन सा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट अभी अपने को यहाँ पर देखने को मिला। किस टाइम फ्रेम पे? मंथली टाइम फ्रेम पे। किसमें? मंथली टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग यहाँ पे ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, ब्रेकआउट तो आ गया ठीक है, बट ये शेयर कहाँ तक जा सकता है हम लोग यहाँ पे देखने वाले, और कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है ये भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। तो हम लोग इसके यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे, प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, सर कहां पे जाएगा, इसके लेवल की बात करेंगे। तो सारे पॉइंट हम लोग यहां पे इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना जिससे आपको यहां पे सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम में, आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। मार्केट में ये शेयर यहाँ पे रॉकेट हो चुका है, देखोगे आप यहाँ पे इस तरीके से मार्केट में ये शेयर काम कर रहा था, बट यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लिया, देखो S2 लिखा हुआ है, अच्छा खासा 1500-1520 के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट में, और ऊपर से देखोगे 1500 से लेकर के मार्केट में ये शेयर कहाँ पहुँच चुका है, 1840 तक पहुँच चुका है। ऊपर से देखोगे यहाँ का भी मतलब 1850-1900 का भी टारगेट अपने को यहाँ पे बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है ठीक है। तो चलते इसका रिजल्ट की ओर, यहाँ पे देखेंगे इसका रिजल्ट किस तरीके से, प्रमोटर होल्डिंग किस तरीके से यहाँ पे है, तो हम लोग को यहाँ पे शेयर में थोड़ा सा आइडिया और ज्यादा मिलेगा ठीक है। तो बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2,93,801 करोड़ का ठीक है। अब इसमें देखेंगे नेट प्रॉफिट 1,170 करोड़ का, ये भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है ठीक है। सेल्स देखेंगे, सेल्स भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है, 57.86 अच्छा खासा नंबर है यहाँ पे। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 59.73%, काफ़ी अच्छा नंबर है यहाँ पे। अभी चलते इसके यहाँ पे रिजल्ट के बारे में देखेंगे कि रिजल्ट किस तरीके से, ये शेयर भाग रहा है तो इसके पीछे रिजल्ट में कुछ होगा, तभी तो भाग रहा है ना ये शेयर। तो यहाँ पे चलेंगे इसके रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट देख लेंगे कि मार्केट में ये शेयर का रिजल्ट किस तरीके से आया हुआ है, प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो बात करेंगे जून 2024 में कि भाई जून 2024 में जितना प्रॉफिट मार्केट कर रही है, सॉरी यहाँ पे शेयर यहाँ पे कर रहा है, वो प्रॉफिट क्या पहले से ज़्यादा है कि कम है। तो अपने को यहाँ पे दिखाई देगा कि जितने भी क्वार्टर यहाँ पे गए पीछे की तरफ, देख पाओगे जून 2021, दिसंबर, मार्च, जून 2022, सितंबर 2022, 23, 23, 23, दिसंबर 23 का क्वार्टर, मार्च 2024, जून 2024, कोई भी क्वार्टर में ऐसा नहीं कि भाई 11,825 का ऑपरेटिंग यहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा हो ठीक है। अपने ने सारे यहाँ पे क्वार्टर देखे, बट यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट देखोगे हर क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ, 10,438 था यहाँ पे, एक साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ पे 9,345 यहाँ पे प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो बढ़ करके यहाँ पे 11,825 करोड़ का यहाँ पे हो चुका है। मार्जिन देखेंगे थोड़ा सा मार्जिन पे यहाँ पे घटा हुआ यहाँ पे देखने को मिला, 40 से लेकर के मार्केट में मार्जिन ये शेयर का 38% यहाँ पे देखने को मिला ठीक है। और अदर इनकम की बात करेंगे, 3 करोड़ था पहले, तो अभी भी यहाँ पे 3 करोड़ ही यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहाँ पे मार्केट में ये शेयर का प्रॉफिट था पहले यहाँ पे 5,125 का, तो ये अभी बढ़ करके यहाँ पे 5,968 का हो चुका है यहाँ पे ठीक है। ऊपर से देखेंगे नेट प्रॉफिट, जो अपने को यहाँ पे मेन देखना रहता है यहाँ पे, जो बढ़ करके अपना यहाँ पे 4,209 हुआ है, तो पहले कितना था 3,709 ठीक है, जो बढ़ करके अभी 4,209 हो चुका है। तो मार्केट में ये प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो शेयर अपने को देखने को मिला है वो भागता हुआ नजर आया ठीक है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे मार्केट में तो 12.20 था जो एक साल पहले था, जो बढ़ करके अभी यहाँ पे 13.39 यहाँ पे हो चुका है। तो बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे ये शेयर के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में कि प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग किस तरीके से होल्ड करके रख रहे हैं, जिससे अपने को आइडिया मिलेगा कि अपने को भी यहाँ पे होल्ड करके रखना है कि नहीं रखना। अगर प्रमोटर लोग यहाँ पे बने हुए तो अपने को यहाँ पे होल्ड करके रखना है, जरूर रखना है यहाँ पे ठीक है। क्योंकि अगर प्रमोटर लोग यहाँ पे बने हुए तो अपने को यहाँ पे आइडिया मिलता है कि प्रमोटर लोगों को अपने ऊपर विश्वास है कि भाई कंपनी मेरी ग्रोथ करेगी, तो जो भी परसेंटेज मिलेगा मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो पैसा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है। तो प्रमोटर लोगों ने जैसे 60.80% यहाँ पे देखोगे प्रमोटर लोगों की यहाँ पे होल्डिंग है, तो 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है, तो कंपनी को अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास है कि भाई जो भी प्रॉफिट मतलब यहाँ पे मिलेगा कंपनी को तो अपने पास यहाँ पे रखना चाहेगी ठीक है। और FI वाले की होल्डिंग देखेंगे तो उसने भी अपनी यहाँ पे देखो 7% थी यहाँ पे बीच में, उसको बढ़ा करके यहाँ पे 8.39 यहाँ पे अपना प्रमोटर मतलब जैसे होल्डिंग बढ़ी थी यहाँ पे, वैसे यहाँ पे FI वाले ने भी अपनी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है ठीक है। तो DI वाले को देखेंगे तो DI वाले ने भी अपनी यहाँ पे देखो 7.33 था, तो यहाँ पे बढ़ करके 7.60 हुआ। और यहाँ पे पब्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पे 23.38 था, जो घट करके 23.18 हुआ यहाँ पे। बट यहाँ पे देखोगे इंटरेस्टेड है भाई पब्लिक, यहाँ पे देखा जाए तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड है अच्छी खासी। ऊपर से देखेंगे FI और DI वाले भी काफ़ी ज़्यादा अपने यहाँ पे इंटरेस्टेड है यहाँ पे ये शेयर के ऊपर। तो बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इसके चार्ट की तरफ चलेंगे कि भाई चार्ट किस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है, जिसके ऊपर से आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा ये चार्ट में शेयर कहाँ तक भाग सकता है और आपको कौन कौन से यहाँ पे लेवल देगा ठीक है। तो बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इसके चार्ट के ऊपर, पहले बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इसके
मंथली चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे जो छोटे छोटे यहाँ पे टारगेट मिलेंगे हम लोग यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम में, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट में कि मंथली चार्ट में अपने यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है ये मंथली चार्ट में हम लोग यहाँ पे टारगेट किस तरीके से ऊपर की तरफ बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का अपना व्यू है यहाँ पे एक दो तीन चार मतलब जो भी साल अपने आएंगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यहाँ तक का अपना पूरा व्यू है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कि कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर रही है, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया कि कंपनी यहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, हर साल इसका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखो 2013 में कितना था प्रॉफिट, 3931 का, जो बढ़ करके यहाँ पे 2014 में 4491 था, जो बढ़ करके अभी यहाँ पे 43145 हुआ यहाँ पे 2024 में। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसके चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका अगर प्रॉफिट बढ़ता है यहाँ पे और भी आगे इंक्रीज होता तो यहाँ पे किस तरीके से सर यहाँ पे अपना टारगेट देते हुए जाएगा, ठीक है। तो शेयर का भी ब्रेकआउट आ चुका है, जो मार्केट में देखोगे अभी का ऑल टाइम हाई था मार्केट का यहाँ 1931 का यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, बट यहाँ पे मार्केट में देखोगे ये शेयर अभी टॉप पे प्रॉफिट काम कर रहा था, ये शेयर अभी टॉप पे पहुँच ही नहीं पाया अभी तक। तो ये शेयर क्या करेगा, टॉप पे जाने की कोशिश करेगा। तो ये शेयर कहाँ तक जा सकता है टॉप पे, हम लोग यहाँ पे ये लेवल देखने वाले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, पहले तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे। अब ये सर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे जो पहला टारगेट बुक करने वाले मंथली चार्ट में, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, आप यहाँ पे 24, 25, 30, 35, 40 आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म अपने यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, ठीक है, जिसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म ये शेयर रखना है। तो यहाँ पे देखें जो पहला टारगेट आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म का यहाँ पे 1900 के करीब यहाँ पे टारगेट आ जाएगा, उसके बाद सेकंड जो टारगेट आने वाला 2071 के करीब आ जाएगा, उसके बाद थर्ड यहाँ पे जो टारगेट आने वाला 2280 तक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टारगेट मिलते जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि भाई शेयर किस तरीके से काम कर रहा है, शेयर की ग्रोथ इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये शेयर इस तरीके से ही ऊपर भागेगा, ऐसा नहीं कि भाई ये शेयर ने यहाँ पे ग्रोथ इस तरीके से ऊपर की तरफ की और ये शेयर यहाँ पे फ्लैट हो गया फिर यहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है सेल्स यहाँ पे ग्रोथ होती है, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता है, बट यहाँ पे शेयर अपना यहाँ पे फ्लैट रह जाता है, बट उस टाइम पे इसी तरीके से ब्रेकआउट आता है और मार्केट में ये शेयर रॉकेट बन जाता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी, अगर नीचे भी आता तो आपको मैं सपोर्ट का लेवल बता दूंगा, वहां पे आपको एवरेजिंग करनी है, ठीक है। तो चलते हम लोग यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे लेवल देख लेते हैं मार्केट में किस तरीके से यहाँ पे लेवल आने वाले। तो आपको इसको लिख लेना, पहले तो आप यहाँ पे नोटबुक निकाल लीजिए, जैसा मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, रिजल्ट भी आपको मैंने बताया यहाँ पे उसको भी लिख लीजिए, प्रमोटर होल्डिंग आप यहाँ पे लिख लीजिए, अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे घटती है तो आप उसको भी यहाँ पे लिखते जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, बट यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इसके जो ग्रोथ बढ़े इस हिसाब से यहाँ पे शेयर बढ़ेगा तो किस तरीके से बढ़ेगा, आपको मैं यहाँ पे पहले सपोर्ट बता देता हूँ, अगर मार्केट में ये शेयर गिरेगा तो किस तरीके से गिरेगा और कहाँ पे आपको यहाँ पे एवरेजिंग करनी है, ठीक है। तो आपको मैं अगर पहला सपोर्ट बताऊँ यहाँ पे, अगर मार्केट में यहाँ पे ये शेयर गिरता है तो आपको 1700 के करीब आपको यहाँ पे पहला सपोर्ट यहाँ पे एवरेजिंग करनी है, ठीक है। और अगर इसके नीचे गिरता सपोर्ट लेता तो मार्केट में ये शेयर सपोर्ट लेगा 1605-10 के करीब, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी एवरेजिंग करनी है। अगर यहाँ से मार्केट में ये शेयर गिरा तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा 1427 के करीब, बट अभी सेल्स ग्रोथ अपनी यहाँ पे इस तरीके से चल रही, प्रॉफिट ग्रोथ इस तरीके से चल रहा है ऊपर की तरफ, तो ये शेयर इतना नीचे गिरे ऐसा लग नहीं रहा है। तभी अपने बात करेंगे अगर इसके ऊपर के जो टारगेट आने वाला वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो फर्स्ट टारगेट आ जाएगा अपना यहाँ पे 1876 के करीब, सेकंड जो हम लोग को यहाँ पे जो टारगेट मिलने वाला है 1969 के करीब, थर्ड अपने को यहाँ पे जो टारगेट मिलने वाला है 2147 के करीब, और अगर मार्केट इसके ऊपर जाता ये शेयर कूदता ऊपर की तरफ तो 2325, और अगर इसके ऊपर जाता तो आपको यहाँ पे 2500 को भी यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से इसके मैंने यहाँ पे जो लेवल आपको बताए हुए हैं ये लेवल आप यहाँ पे लिख लीजिए, और कहाँ पे एवरेजिंग करनी है आपको मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, इसलिए आपको मैंने बताया कि भाई ये शेयर में यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ होगा। ऊपर से पैटर्न भी आपको दिखा कि भाई अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न नजर आया, तो ये सर यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऊपर से भी दिवाली भी आ रही है, तो यहाँ पे ये सर यहाँ पे रॉकेट हो सकता है, तो आप यहाँ पे इसको बाई करके रख सकते हो, या फिर यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे बाई करके रखा उसको यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, और अच्छा खासा अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे सपोर्ट आता है तो वहाँ पे आप एवरेजिंग भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बाकी जो लोगों का भी वीडियो यहाँ पे पेंडिंग है मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा पावर ग्रिड का, और बाकी जो भी यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताया हुआ है वो सिर्फ आपको मैं यहाँ पे आगे बताने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ब्रेकआउट आया है आपको यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे शेयर बढ़ रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि भाई मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट आया इसलिए यहाँ पे ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो अच्छे से मार्केट में काम कीजिए, हमेशा आपको जैसे बताता हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास 1,00,000 का कैपिटल है आप उसको यहाँ पे 10 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। एक साथ पूरा का पूरा 1,00,000 रुपये यहाँ पे मार्केट में मत लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से मार्केट में काम कीजिए, अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कीजिए, और इन्वेस्टिंग ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पे मार्केट में लॉस कभी नहीं देगी। आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कहाँ पे किस जगह पे बाई करना है, किस सपोर्ट पे बाई करना है, अगर आपको वो लेवल पता होगा तो आप अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।